Hello everyone, welcome to the Free UPSC preparation and welcome to this lecture series of New Horizons of Public Administration. Chapter 16 का आज जो discussion होगा उसमें हम बात करेंगे administrative reform के implementation के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे evaluation और बाकी जो World Bank के द्वारा किए गए administrative reform और उनका जो experience है उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, अभी तक हम काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं. अगर इनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को चार तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये बात मैं नहीं, काइजन कहते हैं. आप बुक के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपको ये सारे डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला चैप्टर एज सच डिफिकल्ट में नहीं आता है, इसीलिए आप उसको रिवाइज करेंगे एक बार, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं एक बार और रिवाइज करेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी. ये टॉपिक आपकी मदद करता है पेपर टू के अंदर, खास करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब रिफॉर्म की बात आती है तब ये चैप्टर आपकी बहुत मदद करेगा. ठीक है, तो रिफॉर्म कैसे होते हैं? पहला होता है जी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के द्वारा. पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के द्वारा जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में हुआ था, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुई उसके बाद में आप चेंज आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉलिटिकल रिजिम चेंज कर दी जाती है बाय अनदर पॉलिटिकल रिजिम. तो यहाँ पर जब रिजिम चेंज होती है, पॉलिटिकल रिजिम चेंज होती है तो डेफिनेटली आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी चेंज होती है. देन जैसे जो रिवोल्यूशनरी चेंज आया लाइक कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आई, तो ये क्या है? पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के द्वारा आता है. ठीक है जी. चलिए दूसरा कैसे आता है रिफॉर्म, दूसरा बात करते हैं हम. सेकेंड टाइप क्या है? ये आता है टू रेमेडी द ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी. जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, रिजिड हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन, तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए एक और रिफॉर्म मेजर्स अपना लिया गया. नॉर्मल टाइम्स में ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि हाँ थोड़े बहुत चेंज करने की जरूरत है, तो जो स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेसेस जो फील किए जाते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, या फिर अगर स्ट्रक्चर रेगुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा रिजिडिटी है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सुधारने के लिए हम रिफॉर्म लेकर के आते हैं. ठीक है, देन इसमें क्या आएगा, फिर आता है जी थ्रू द लीगल सिस्टम. ये कैसे आता है लीगल सिस्टम के द्वारा? मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दी कि ऐसा करो, ठीक है, इसको ऐसे चेंज करो, तो वो लीगल सिस्टम के तरह मतलब तरह आया, लीगल सिस्टम के थ्रू, आई एम सॉरी. तो यहाँ पर क्या है, जैसे लैंड रिफॉर्म है, गवर्नमेंट को लगा कि लैंड रिफॉर्म करने चाहिए, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कानून बना दिया उसके रिगार्डिंग, और फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो लीगल सिस्टम के थ्रू. फिर आता है एटीट्यूडनल चेंज, और ये सबसे मुश्किल भी है और ये सबसे आई गेस इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि अभी तक हम तीन प्रोसेस हमने बात करी ना, ये हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी को चेंज कर रहे हैं, हम तरीके बदल रहे हैं, लेकिन जब तक इंसान का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना, जो उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो उन मशीनरीज का यूज करते हैं, जो उस एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का यूज करके पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, तो फिर कोई फायदा नहीं है. क्योंकि अगर एक पर्सन करप्ट है, आपने उसको पहले वो एक पोजीशन पे बैठा था, आपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करके उस पर्सन को बी पोजीशन पे बैठा दिया, डज नॉट मैटर. अगर उसके एटीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा तो जैसे वो यहाँ पे काम कर रहा था, थोड़े दिन बाद में यहाँ पे भी उसको लूप होल्स मिल जाएंगे और वो वैसा ही काम करना शुरू कर देगा. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तभी आता है जब आप एटीट्यूडनल चेंज लेकर के आते हो. बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपने भी देखा होगा पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट भी इस बात पे फोकस कर रही है कि बिहेवियरल चेंज लाया जा सके. ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया गया था, तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये मेनली बिहेवियरल चेंज को इंट्रोड्यूस करने के लिए. ऐसी चीजें न केवल आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में बल्कि मदद करती है आपके एसए के पेपर में भी, और बाकी जो जीएस वगैरह या इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करती है. ठीक है, तो एटीट्यूडनल चेंज ऐसा नहीं है कि आपने बोला और एटीट्यूडनल चेंज आ गया, नहीं. इसमें आपको क्या करना है, एंटरप्राइज के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट है, जैसे मैन मटेरियल एंड मेथड है, तो इसमें ह्यूमन साइड को मतलब इन्वॉल्व करना है जब आप एटीट्यूडनल चेंज की बात करते हो. और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेनली ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं उसके अंदर,
तो फॉर्मल चेंज इन स्ट्रक्चर, लॉज एंड रेगुलेशन, ये शायद डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब. देन एटीट्यूडनल चेंजेस आर नॉट द इजिएस्ट वन टू ब्रिंग अबाउट, क्योंकि अगर मान लीजिए देखने में लगता है कि हाँ चेंज हो रहा है, आउटवर्ड लगता है कि चेंज हो रहा है, साइन ऑफ चेंज, बट एक्चुअल में उसका काम करने का तरीका वही है, तो इसमें बिहेवियरल साइंस काम कर रही है. बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो हम पढ़ते हैं ना टॉपिक, उसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो मोटिवेशन वाला टॉपिक है वो काफी हेल्प करता है आपको समझने में कि हम कैसे वर्कर्स का जो काम करने का तरीका है उसको बदल सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन में नहीं है, आपके जो मेथड है ना बताने का, काम करने का जो मेथड है, वो आप कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हो अपने वर्कर से, अपने कलीग से, अपने इम्प्लॉय से, वो भी मोटिवेशन है. भी मैं चाहती थी सुबह सारे वर्कर है ना 9 से 5 बजे जो मतलब जॉब करते थे, मैं चाहती थी सुबह वो 8 बजे, ठीक है, 1 घंटा एक्स्ट्रा है, तो मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा उनको, मेरे हिसाब से काम करने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये बिहेवियरल साइंस और बिहेवियरल स्टडी चल रही है. तो इसमें क्या हुआ कि अब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होगी, देन ऑर्गेनाइजेशन रिजिडिटी को रिमूव करने के लिए लीगल सिस्टम के थ्रू या एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, इन सब के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो ये रिवोल्यूशनरी चेंज आया, मतलब आपने पॉलिटिकल रिवोल्यूशन करी, ये जो रिवोल्यूशनरी चेंज था, सेकेंड में आपने ब्यूरोक्रेटिक अवेयरनेस आप ले आए, ठीक है, थर्ड में आपने लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेशन को इंक्लूड किया, और फोर्थ में आपने एटीट्यूड चेंज किया. तो ये सारे के सारे इम्पल्स प्रोवाइड कराते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. इम्प्लीमेंटेशन इससे भी ज्यादा मुश्किल जॉब है, कॉम्प्लेक्स जॉब है, क्योंकि आपने जो सोचा उसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना ईजी नहीं है. अगर मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूँ जो बुक में नहीं मैंशन है वो बताती हूँ आपको, है थोड़ा सा पॉलिटिकल बट आई होप आप चीजों को समझ पाए. फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई, ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी एज सच, इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी. नतीजा क्या हुआ कि 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन होती है, किसको हटाने के लिए, वहां के जो ऑटोक्रेट थे या जो रूलर थे उसको हटाने के लिए, उनको हटा दिया गया. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, विद इन 10 to 15 days एक नया ऑटोक्रेटिक रूलर आ जाता है, नेपोलियन. उसके बाद में इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, आपको भी पता होगा अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, तो नहीं भी पढ़ी तो एक बार देख लेना, ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच का, फ्रांस का इतिहास 1789 से लेकर के 1850 तक उठा करके देख लेना, आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो अनप्लान्ड या मिसमैनेज्ड चीजें होती है ना, वो कैसे रिजल्ट, उसका नतीजा क्या निकलता है, ठीक है. देन हमारे यहाँ भी बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लिए गए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये जो नोडल एजेंसी बनाई है डिपार्टमेंट फॉर द रिफॉर्म प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स को कंसल्ट किया गया, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी उनको कंसल्ट करके रिफॉर्म मेजर्स लिए गए. एंड उसके बाद में ना बता रखा है आपकी बुक में कि जब आप कोई प्रोसेस या कोई भी रिकमेंडेशन आपको मिलती है, कोई भी सजेशन आपको मिलता है, तो उसको आगे प्रोसेस कैसे किया जाता है. जैसे कोई कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, कोई कमेटी बनाई, उसने कोई रिकमेंडेशन दी, तो वो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, सीनियर ऑफिसर की एक छोटी कमेटी के पास वो काम जाएगा कि देखो जी इस कमीशन ने, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं हम, एआरसी ने कुछ रिकमेंड किया, ठीक है, गवर्नमेंट को कि ऐसा करना चाहिए. गवर्नमेंट ने वो रिकमेंडेशन भेजी सीनियर ऑफिसर की एक छोटी सी कमेटी को कि देखो जी हमें तो ये रिकमेंड किया गया है, अब आप देखो ये वायबल है या नहीं है. अब एक बात बताओ, ये सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऐसा रिफॉर्म मेजर्स होगा जो इनकी पोजीशन को चेंज करता है, तो क्या ये इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. इसी को तो कहते हैं स्टेटस को मेंटेन करना, यानी कि आप रिफॉर्म किनसे करवा रहे हो जो खुद उस चीज से अफेक्ट होने वाले हैं. अगर मैं उस चीज से अफेक्ट होने वाली हूँ, अगर मेरी पावर एंड पोजीशन में कुछ चेंज आएगा, अगर वो कम ज्यादा होएंगे, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट थिंग, ऑब्वियसली. तो ये चीज है. उसके बाद में जब आप रिफॉर्म करते हो तो आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लेने करने की जरूरत होती है. जैसे प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया.
हमें तो लगता है कि चलो ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा बनाया गया, प्लानिंग प्रोसेस में मदद मिली। लेकिन अगर आप ये भी देखें ना कि प्लानिंग कमीशन की ऐसी क्या कमियां थी जो जिसकी वजह से नीति आयोग बनाया गया। दूसरा ये कि प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारे यहाँ का जो सिस्टम था, यानी ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये खुद तो काम कर रहा है सो कर रहा है, वो तो छोड़ ही दो, वो तो प्लानिंग प्रोसेस अलग होगी, ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो भी बहुत मैटर करता है। और किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है वो चीज भी मैटर करती है। एक तो इसकी डायरेक्शन आती है भी, आप खुद कोई इनोवेशन नहीं ले रहे, आपको प्लानिंग कमीशन बताएगा, आप जो डिसाइड करोगे वो कुछ वैल्यू नहीं रखती, प्लानिंग कमीशन विल टेल यू, उसी के हिसाब से आपको बजट मिलेगा और वैसा ही काम। तो ऐसा क्या स्ट्रक्चरल चेंज की हमें जरूरत पड़ी कि प्लानिंग कमीशन को हटा करके हमें नीति आयोग लाना पड़ा? कभी सीरियसली बैठ करके इस बारे में सोचिएगा। उसके बाद में जब आप स्ट्रक्चरल डिसाइड कर लेते हो तो यू नीड सम काइंड ऑफ बजट, क्योंकि बिना बजट के तो काम नहीं चलेगा ना, सेंक्शन करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि जो रिफॉर्म प्रोसेस आए हैं उसमें न्यू मटेरियल आपको प्रोक्योर करना पड़े, आपको नई पोस्ट क्रिएट की है तो उसके लिए भी हो सकता है आपको हेल्प लेनी पड़े, आपको ने अपॉइंट करने पड़े पर्सनल जो है, देन सेंक्शंस लेने पड़ते हैं फ्रॉम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज नेगोशिएट किए जाते हैं ऑन टाइम। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम जो हमारे प्रपोजल्स हैं, हमारी जो रिकमेंडेशन है, उनको ऑपरेशनलाइज करना विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपके जो रिकमेंडेशन है उनको ऑपरेशनलाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वही इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये चीज आपकी काफी हेल्पफुल, मतलब आई गेस आपकी बहुत मदद करे एग्जाम में, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर ना भी पूछे जाए डायरेक्टली तो भी आप अपने आंसर को सप्लीमेंट करने के लिए फोर्डर पॉइंट के तौर पे भी इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। देन आता है इवैल्यूएशन, ये तो था इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, नेक्स्ट कम्स दी इवैल्यूएशन। इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप एक को छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ। हमने जो पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनका एनालिसिस स्टार्ट किया है, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे आपको एक वीडियो मिलती है, 5 मिनट की होती है, ज्यादा नहीं है, तो 5 मिनट तो आप ऑब्वियसली निकाल ही सकते हो एक वीडियो देखने के लिए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हर दिन एक क्वेश्चन टैकल किया जाता है, उस क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है, डिकोड इन द सेंस कि आप कैसे इंटरप्रेट करो, इंटरप्रिटेशन को मैं डिकोड बोलती हूँ, इंटरप्रेट किया जाता है, उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बताई जाती है। तो डेली के डेली एक तो आंसर लिखने की हैबिट डेवलप होगी आपको, दूसरा आपको क्वेश्चन को समझना आएगा, तो कौन सा टॉपिक कैसे रिलेट करना है, क्या चीज करनी है, वो चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये सीरीज जरूर देखें, सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर सीरीज जो है कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ वीडियोस के नंबर बढ़ाने से कोई मेरा कोई एम नहीं है कि मैं वीडियोस के नंबर बढ़ाती जाऊँ। मेरा एम है मैं ऐसे कंटेंट लेके आ सकूं जो एक्चुअल में आपकी एग्जाम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप हमारा जो इनिशिएटिव है, ये ऑब्वियसली फ्री इनिशिएटिव है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आपको अलग से ज्वाइन करनी है वो अलग है, फ्री में आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप इस चीज को प्रमोट करें और आप खुद भी इस चीज का पूरा पूरा जो है वो फायदा उठाएं। ठीक है, चलिए जी, हम बात कर रहे थे इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में क्या होता है, क्योंकि देखो जब हम रिफॉर्म प्रोसेस या कोई भी काम करते हैं तो इवैल्यूएशन होना जरूरी है, लेकिन दो टर्म आते हैं, उनमें दोनों में फर्क समझिए, एक तो होता है मॉनिटरिंग और एक होता है इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग होती है कि मैंने एक रिफॉर्म प्रपोजल इंप्लीमेंट किया, जब वो इंप्लीमेंट हो रहा है, जब वो प्रोसेस चल रही है, उस दौरान मॉनिटरिंग होती है, मुझे पता चलता है कि ये काम सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने जैसा सोचा था वैसे हो रहा है या अलग तरीके से हो रहा है, तो मॉनिटरिंग मेरे वो चीज समझने में हेल्प करती है। इवैल्यूएशन जब वो चीज पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुकी है, फिर ये देखते हैं कि उसने वो चीज अचीव करी जिसके लिए बनाया गया था, यानी ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्सेसफुल हुआ या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो ये चीज मैटर करती है। यहाँ पे एक चीज और, जो इवैल्यूएशन होता है ना, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस, क्योंकि जब तक आप इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि
आपकी जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो सही से जा रही है या नहीं। ठीक है, तो ये ना ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में 1 साल लगने वाला है, 1 ईयर लगने वाला है, तो मॉनिटरिंग प्रोसेस या आपने फीडबैक इवेल्युएशन का सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि हर महीने में आपको पता चल सके। आपने छोटे छोटे टारगेट बना लिए कि 12 महीने में इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो फर्स्ट मंथ में हम इतना टारगेट अचीव करने वाले हैं, सेकेंड मंथ में हम इतना करने वाले हैं, थर्ड मंथ में हमने इतना करने वाले हैं। यानी आपने छोटे छोटे टारगेट सेट किए, काम करने का स्टैंडर्ड सेट किया। ठीक है, हालांकि आपने सारी चीजें कंसिडर करी, भी रिसोर्स क्रंच आ गया, टाइम आपका ज्यादा लग रहा है, कोई रीजन स्पेसिफिक हो गया, तो उसको भी शुरुआत में ही पॉलिसीज में एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो या जो आप इम्प्लीमेंटेशन वाला काम कर रहे हो, तो वो देखो हर महीने में, पहला महीना था, पहले महीने हमने सोचा कि 100% हम काम करेंगे, लेकिन हम 70% ही कर पाए, तो ये रीजन क्या रहा, और जो रीजन रहा वो मैं हर उसके ऊपर, हर इंटरवल के ऊपर वो चीजें रिवाइज कर सकूं और मैं उसको पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाऊं। समझ रहे आप इस बात को कि मुझे फर्स्ट मंथ पे मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, तो वो चीजें मुझे अपने सेकंड मंथ के टारगेट के अंदर एडजस्ट करनी है या थर्ड मंथ के टारगेट में, मतलब मैं रिवाइज करती चलूं अपनी पॉलिसीज को टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं हो कि 1 साल के बाद में आपको पता चल रहा है कि आपने करना तो था जी 100% काम, आप कर पाए हो सिर्फ 30%। क्यों? क्योंकि हर बार आपका कुछ ना कुछ लॉस होता चला गया, आपने उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर चीजों को इवेल्युएट करो, बार बार देखो कि सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। मॉनिटरिंग इसी को कहते हैं, मॉनिटरिंग, और फिर फीडबैक के थ्रू आप पॉलिसीज क्या कहते हैं एडजस्ट करते जा रहे हो, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल पॉलिसी मेकिंग। ठीक है जी, ये चीजें। अब बात आती है, तीसरा टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन प्रैक्टिस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपने स्कॉलरली सोचा, देखो दो तरीके होते हैं, मैं ये चीज बार बार नहीं बताने वाली आपको, इसलिए ध्यान से सुनो। एक तो होता है कि थ्योरेटिकल कोई रिफॉर्म प्रोसेस की बात हो रही है थ्योरी में, यानी जब कोई कमेटी, फॉर एग्जांपल एआरसी ने कोई रिकमेंडेशन दी, तो ये रिफॉर्म प्रोसेस की बात ऑन पेपर हो रही है, ऑन पेपर आपने रिफॉर्म कर दिया। लेकिन उसी चीज को जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेकर के आओगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो ये चीजें ऑलरेडी आपने रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर पहले से ही देख लेनी है, इसीलिए एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तब से चलता आ रहा है जब से गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी को टाइम टू टाइम एडजस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमें रिफॉर्म प्रोसेस की जरूरत होती है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि आपका जो एनवायरमेंट होता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा ना, वैसे वैसे आपको रिफॉर्म प्रोसेस लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने 1998 के अंदर बाहर का जो एनवायरमेंट उसको ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म प्रोसेस लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। चाइना का जो सोशलिज्म मॉडल रहा, सोशलिज्म का मतलब होता है एक प्रोडक्शन मेथड होता है, ये एक आइडियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो यहाँ पर सोशलिज्म जो इनका तरीका था उसको एडजस्ट किया गया टू द ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस, क्योंकि उस टाइम सोशलिज्म बेसिकली एक तरीके से आप मान सकते हो कि लेट मी यूज अनदर फ्रेज, एक होता है सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है कि जितने भी रिसोर्सेज है ना आपके, वो रिसोर्सेज किसको बिलोंग करते हैं, वो आपकी सोसाइटी के हैं, सोसाइटी इन द सेंस कि स्टेट के हैं। मतलब मैं बहुत लेमन सी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, भी कोई हो पॉलिटिकल साइंस का वो कह दे कि मनीषा ने तो गलत बताया, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ। यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल नहीं हो सकते, आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ऑनरशिप, कोई खुद की कंपनी नहीं खोल सकते। इस तरीके से सोशलिज्म मॉडल में क्या होता है, बेसिकली जो रिसोर्सेज है उनका कम्युनिटी का कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो चाइना सोशलिज्म मॉडल को फॉलो करती थी, क्योंकि चाइना भी काफी हद तक मार्क्स की जो टीचिंग्स थी काफी इन्फ्लुएंस थी उससे।
चाइना ने अडॉप्ट करा सोशलिज्म को, बट फिर पता चला कि नहीं जी, वर्ल्ड तो आगे जा रहा है, हम पीछे रह गए। तो फिर उन्होंने चेंज किया, चाइना ने भी थोड़े बहुत रिफॉर्म मेजर्स लिए और आज हमें उनका नतीजा ऑब्वियसली हमारी आंखों के सामने है। अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म प्रोसेस लिए गए और उम्मीद करते हैं हम कि ये चीजें आने वाले टाइम में हमें सुधरी हुई मिले, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आज के दिन भी एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहा है। डिजास्टर्स, ऑब्वियसली रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है इस कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, नो डाउट, बट स्टिल अंडर डेवलप्ड है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, डेमोक्रेसी अभी तक इतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है उन कंट्रीज के अंदर। तो हमें मतलब वहाँ के जो नेशन नेशनल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको सोचना होगा इस बारे में, और वहां पर भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से रिफॉर्म मेजर्स लाए जा सकें। नेक्स्ट टॉपिक आता है जी वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत सारे रिफॉर्म करवाने में मदद करी है। अभी भी आप देखना, मतलब एक चीज नोट करना, आप न्यूज़पेपर पढ़ दो, महीने में एक दो बार ऐसी न्यूज जरूर आती होगी जिसमें आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक ने कोई नया प्रोजेक्ट चला था, उसके अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है, या तो हो सकता है कि वाटर सप्लाई को लेकर के हो, हाउसिंग को लेकर के हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंदर वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टमेंट दे रहा है। वर्ल्ड बैंक वहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहा है अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, बाहर के कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में भी आप ये चीज देख रहे। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा क्यों कर रहा है वहां पर, वहां की, चलो फाइनेंस को छोड़ दो एक तरफ, क्या वर्ल्ड बैंक सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है या वर्ल्ड बैंक आपको कुछ काम करने का तरीका भी बता रहा है? ये चीज ध्यान करना इस बार आप जब भी ऐसी कोई न्यूज आए तो, क्या वर्ल्ड बैंक वहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की बात कर रहा है? क्या वर्ल्ड बैंक ने वहां पर अपनी कोई टेक्निक बताई है काम करने की? क्या वहां पर कोई नई टेक्नोलॉजी बताई गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अवेयर होते हो आप चीजों को लेकर के, थोड़ा सा ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपकी आंखों के सामने चीजें आई और आपको कोई सामने वाला बता रहा है तभी आपके दिमाग में जा रही है। फिर थोड़े से एक्टिव बनो, है ना, और ऐसे ही एक्टिव बनते जाओगे छोटे छोटे स्टेप्स से ही। तो वर्ल्ड बैंक ने सिविल सर्विस रिफॉर्म में भी काफी मतलब एक्सपीरियंस गेन किया है, और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अलग अलग टाइप के रिफॉर्म होते हैं, हमें भी पता है, नो डाउट। एक तो होता है जी सिस्टमेटिक रिफॉर्म, 1991 के बाद में रिफॉर्म प्रोसेस की एक लहर आई थी, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रहा उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे मेजर्स लिए थे। एनपीएम का क्या था कि डाउन साइजिंग की जाए, गवर्नमेंट की डाउन साइजिंग, और ऊपर से नियो लिबरल रिफॉर्म चल रहा था। नियो लिबरल क्या होता है, वही गवर्नमेंट को कम से कम रखा जाए, गवर्नमेंट का साइज जो वो डाउन किया जाए। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो मेन फोकस था वो था डाउन साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब आप सोच के देखो कि आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि आप अपने पर्सनल को कम करो, एंड आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बात? तो मतलब हालांकि हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना सोचा गया था, ठीक है। तो फिर बैंक रिफॉर्म पॉलिसीज लाई गई, बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, क्योंकि डाउन साइजिंग जो एक्सरसाइज होती है ना, बुक के अंदर भी दी गई है, एंड आप भी इस चीज को मतलब सोच पाओगे कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, डाउन साइजिंग इज नॉट पॉलिटिकली एक्सेप्टेड। अब एक चीज और जो वर्ल्ड बैंक कहता है, वो कहता है कि जो प्रॉब्लम होती है ना वो काफी बड़ी है, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉब्लम है, उसको चेंज करने के लिए हमें फंडामेंटल्स को ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहां पर टेक्निकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक कि ना एक पर्दा फटा हुआ है और हम उस पर्दे को चेंज करने के बजाय हम वहां पे स्टिचेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर आपको अपने फंडामेंटल्स रिफॉर्म करने की जरूरत है, जब हमें पता होता है कि हमारे जैसे पुलिस है, इंडियन पुलिस है, इंडियन पुलिस के अंदर फंडामेंटल रिफॉर्म की जरूरत है, वहां पर सिर्फ एटीट्यूड से इससे काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करें, हम बस पैच वर्क करते जा रहे, तो ये एक बड़ा इशू है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा करके आप जो मेन मुद्दा है उससे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, मेन मुद्दा से आप नहीं भटक सकते। तो ये कुछ चीजें दी गई हैं, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ें इसको। फिर इसमें ना जब आप रिफॉर्म प्रोसेस करते हो,
कुछ चीजें ध्यान में रखना। एक तो ध्यान में रखना रोल ऑफ स्टेट, रिफॉर्म प्रोसेस में स्टेट एक्टिव है या उसने जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट आई शुड नॉट से बट जो आई वुड से कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एनजीओ वगैरह हैं, क्या उन्होंने रिफॉर्म प्रोसेस की जिम्मेदारी उठा रखी है या फिर जैसे स्टेट ही काम कर रहा है। इसमें व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं या जो चेंजेस आते हैं लीगल, उनके अंदर तो स्टेट का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है, और जो होते हैं एटीट्यूडनल या बिहेवियरल चेंजेस उसमें सिविल सोसाइटी का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, फिर ये कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी किसी भी टाइप की, पर्सनल पॉलिसी, एक्स्ट्रा जो भी है, उनके बीच में और हमारे जो फाइनेंसेस हैं उनके बीच में एक इंटरलिंकिंग या लिंक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वेल थॉट आउट डिसीजन लो, भी पहले सोच समझ के फिर फैसले लो आप अपने। देन रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्टेप लिया और बाद में उठाकर जिस बुक को साइड में रख लिया, नहीं, रिफॉर्म प्रोसेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट फ्लेक्सिबल अप्रोच हो, वो चीज मैंने आपको बताई फ्लेक्सिबल अप्रोच की क्यों जरूरत पड़ती है लास्टली। एंड देन सिर्फ आपने एक चीज और, आपने कोई थ्योरी पढ़ी लेकिन थ्योरी को आप ब्लाइंडली अडॉप्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आपने मार्क्सिज्म पढ़ा और एकदम से आप बहुत इन्फ्लुएंस हो कि अच्छा अच्छा ऐसा कुछ है, लेकिन ब्लाइंडली आप अपनी कंट्री के अंदर उस चीज को फॉलो करो, इससे पहले आपको अपनी कंट्री की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रिफॉर्म प्रोसेस बहुत ही सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। और जो चीज मैंने बताई कि टाइम टू टाइम इंटरवल पे आपने चेक करना है, एक रेगुलर इंटरवल पे, कि हमारे जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो सही से जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, भी आपने क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चनरी रिमार्क्स हैं। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है रिफॉर्म प्रोसेस, नो डाउट। इनको इम्प्लीमेंट करने में भी काफी टाइम लगता है, अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है कि पता नहीं क्या होएगा, अच्छे से हम अपना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, रिफॉर्म मेजर्स अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली कॉस्टली है, कॉस्टली फाइनेंशियल टर्म्स में भी और पर्सनल टर्म्स में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको चाहिए होते हैं जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अप्लाई करते हो या लाने की चेंज करने की कोशिश करते हो। बट व्हाट मैटर द मोस्ट इज द विल टू चेंज, बदलाव लाने का जो इरादा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करूं, सम अप करूं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वाला। एंड बहुत सारी, मतलब इट इज रिसीविंग अटेंशन, तो बहुत सारे इसके स्कॉलर्स हैं या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो फोकस कर रहे हैं रिफॉर्म प्रोसेस के ऊपर। रिफॉर्म के बहुत सारे फायदे होते हैं, रिफॉर्म बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और अलग अलग फेज में रिफॉर्म होता है, सिंगल फेज रिफॉर्म नहीं होते कभी भी, अलग अलग फेज में होते हैं। देन रिफॉर्म्स डिपेंड फॉर देयर सक्सेस ऑन देयर ऑन द एबल लीडरशिप, टाइम पे डायग्नोसिस हो, सिचुएशन का सही संभाल सके आप सिचुएशन को, प्रॉपर सेंस ऑफ टाइमिंग हो, वाइडर सपोर्ट बेस हो, केयरफुल प्लानिंग हो, एंड फेजिंग ऑफ प्रपोजल, कमांड ओवर रिसोर्स, ये सारी चीजें हो, और साथ ही साथ आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज हो, यानी कि पावर स्ट्रक्चर आपको बताओ, तभी जाकर के आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इवेल्युएशन भी इस पूरी प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई गेस कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है नेक्स्ट चैप्टर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर को वैसे मैं कंक्लूड करती हूँ, लेकिन आई गेस आप 40 सेकेंड तो निकाल ही सकते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, 2022 और 2023 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दोज हु वांट टू ज्वाइन आर पेड कोर्स, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है ये बैच, इसके लिए आप +9198968597 पे एक बार कांटेक्ट कर लें, या आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए, कुछ भी, मैं गाइडेंस तो नहीं कहती बट हाँ मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ।
ठीक है। इसके अलावा कुछ टाइम पहले 3 स्टेज प्रिपरेशन वीडियो बनाया गया था, चैनल के ऊपर है, Q&A की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो एक बार जा करके एक बार वो वीडियो जरूर देखें, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, खत्म करते हैं आज के लेक्चर, कल मिलते हैं। हाँ, एक जो सुबह सुबह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है तो उसको देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं डेफिनेटली सीरीज बंद कर दूंगी, फिर कोई फायदा नहीं आपका, फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लीज सॉल्व करें, सॉल्व करें। तो दोनों तरफ से है, हमारी तरफ से भी कोशिश है, थोड़ा सा आप भी एफर्ट करिए, फ्री इनिशिएटिव है तो सपोर्ट एज मच एज यू कैन। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।